हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनु एंड स्वेटी एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं आइंडहोवन का एक फेस्टिवल जिसका नाम है ग्लो फेस्टिवल। सो दिस इज बेसिकली अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। आइंडहोवन में ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लाइट्स से कुछ एनिमेशन बनाते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स डिजाइन करते हैं और वो दिखाते हैं। तो हम लोग आपको आज ग्लो फेस्टिवल दिखाने वाले हैं। वैसे काफी भीड़ है, मैंने पहली बार आइंडहोवन में इतनी ज्यादा भीड़ देखी है। हम लोग आपको सब दिखाने वाले हैं, अभी हम लोग जाने वाले हैं और यहाँ पे मतलब 5 किलोमीटर तक आपको कुछ ना कुछ लाइट्स रिलेटेड मिलता रहेगा। सो दे आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द एनिमेशन द लाइट। भीड़ को देख के एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर आ गया है और एक एक, एक मेला सा लग गया है। जैसे ऐसा हमारे इंडिया में जब मेला लगता है तो कितनी भीड़ होती है, एग्जैक्टली वैसा ही माहौल है और सारे लोग बस ये ग्लो फेस्टिवल देखने के लिए आए हुए हैं। मेला या फिर जब इंडिया में दिवाली आती है तब। राइट। तो हम लोग आपको लेके चलते हैं और आपको पूरा फेस्टिवल घुमाते हैं और फेस्टिवल में कहाँ पे क्या हो रहा है वो सारी आपको डिटेल्स भी बताते हैं। और एक और अच्छी चीज है, आज फेस्टिवल का फर्स्ट डे है। मतलब ये फेस्टिवल आज ही स्टार्ट हुआ है, आज से ये एक हफ्ता चलने वाला है। तो अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप हमारा व्लॉग देख लेना एंड प्लान कर लेना। राइट, अगर आप आइंडहोवन में हो तो डेफिनेटली। हाँ, और आइंडहोवन से बाहर भी हो तो भी आओ। राइट, क्योंकि यहाँ के लिए बहुत फेमस फेस्टिवल है, वन ऑफ द फेमस। तो चलो फिर चलते हैं और असली ग्लो फेस्टिवल एंजॉय करते हैं।
गाइस घर से आए हुए को हमको सिर्फ आधा घंटा हुआ और उस लड़के को भूख लग गई है, मतलब ये भूख भूख कर रहा है यार। भूख इसलिए लग गई है क्योंकि लंच थोड़ा कम खाया था, और दूसरी बात ये कि बहुत खाया। नहीं नहीं, अभी हमें बहुत घूमना है, तो घूमने के लिए पहले एनर्जी चाहिए ना, तो उसके लिए हम लोग पहले पेट पूजा करना चाह रहे हैं। हमने सिर्फ एक शो देखा है और उसके बाद हम सीधा खाना खाने, मतलब कुछ खाने के लिए आ गए। नहीं, और हमारे पीछे आप देखो फूड ट्रक है बढ़िया वाला, तो ये जो फूड ट्रक दिख रहा है, इस फूड ट्रक से फूड ट्रक की लाइट देख के हमारा खाने का मन कर गया। उस पे सारे वॉफल्स में जो बढ़िया डेकोरेशन किया है ना, तो अब वहाँ जाएंगे हम, कुछ खाएंगे और कॉफी भी, और आपको दिखाएंगे कि क्या खा रहे हैं हम लोग। तो ठंड में कॉफी का मजा, हाँ ठंड में कॉफी भी पियेंगे बढ़िया यहाँ पे। चलो फिर खाते फिर नेक्स्ट जगह जाते हैं। यस, दो चीजें आ गई है भाई, एक है एप्पल बॉल, दूसरा है कर्सन बॉल। अब कर्सन बॉल क्या होता है पता नहीं है मुझे, जो भी है खा लेंगे।
हेलो अगेन गाइस, तो हम लोग अभी ग्लो में घूम रहे हैं और अराउंड 25% हम लोगों ने कवर कर लिया है और उस 25% को कवर करने में ही हमको 2 घंटे लग गए हैं। बहुत चलना है और काफ़ी दूर दूर बना है चीज़ें, जो स्पॉट्स है ना वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो आप एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट में जाने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। राइट। तो अभी तक 2 घंटे चलने के बाद स्वेटी मुझे बोल रहा है कि मैप पे देखने के बाद सिर्फ 25% हुआ है। राइट। तो अभी हमको लग नहीं रहा कि आज हम लोग ख़त्म कर पाएंगे। हाँ। अभी हमारे पास कुछ 1-1.5 घंटा और है, तो हम लोग थोड़ा और घूमेंगे जब तक हम घूम पाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत थक भी गए हम लोग। क्योंकि जो इसका टाइमिंग है ना वो 11 o'clock तक। राइट। 11 बजे सब बंद हो जाएगा, तो 11 बजे तक हम घूम सकते हैं, तो तब तक हम घूमेंगे और जितनी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं वो करेंगे, और अगर कुछ बच गया तो फिर हम लोग दोबारा आएंगे कल। हम लोग सोच रहे हैं आज जितना हो पाए ना मैक्सिमम हम आज ही कर लें, क्योंकि सारे स्पॉट्स तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि सारे स्पॉट्स अमेजिंग है भी नहीं। तो कहीं कहीं हम लोग गए तो हम लोगों को ऐसा लगा भी कि यार यहाँ क्यों आए, मतलब इतना ज़रूरी नहीं था। जितना मैंने पढ़ा था उसके हिसाब से 5 किलोमीटर्स के रेडियस में ये लोगों ने पूरा वो बनाया है, जगह जगह पे जो लाइटिंग्स वगैरह और एनिमेशंस किए हैं। तो 5 किलोमीटर एक दिन में करना तो इट्स लाइक नॉट पॉसिबल, तो इसलिए अब देखते हैं अभी और थोड़ा सा घूमते हैं और उसके बाद फिर जब हम लोग हमारा हो जाएगा फिर हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, चलो गाइस मिलते हैं फिर आपसे बाद में।
गाइस अभी हम लोग घूम के और घर आ गए, काफी आज बहुत चले हैं हम लोग, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर तो चली ले हैं। ज्यादा चले, हाँ। 4 किलोमीटर ज्यादा चले और हम लोगों ने अराउंड 50% से ज्यादा कवर कर लिया है ग्लो फेस्टिवल। बट स्टिल हम लोगों ने बहुत सारी चीजें स्किप कर दी हैं क्योंकि 11 ऑलरेडी बज चुके थे और सारी चीजें बंद हो गई थी, तो हम लोग जो बाकी की चीजें हैं वो कर नहीं पाए, तो और हमारी भी बैटरी डाउन हो गई थी, राइट, हम चल सकते बहुत ज्यादा चल लिए थे हम लोग, सो प्रोबेबली हम कल फिर जाएंगे। हम लोग का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, बहुत चलना पड़ता है, इट्स मतलब नहीं बट चलना पड़ता है, बट ठीक है, आपको अगर ग्लो फेस्टिवल रियली एंजॉय करना है ना तो आप चल के ही कर सकते हो, बिकॉज आप बाइक पे भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग साइकिल नहीं ले गए थे, क्योंकि जगह जगह साइकिल को पार्क करना और वो सब बहुत मुश्किल हो जाता है। एक चीज बोलूंगी कि कुछ जगह तो बहुत अच्छी थी, जैसे कि हम एक चर्च में गए थे, वहां पे बहुत सिंपल सा जो था लाइटिंग वगैरह सिंपल थी, लेकिन जब आप उसको साउंड के साथ जब आप देखोगे तो काफी अच्छा लगता है। और एक जो हम लोग स्टार्टिंग में गए थे वो भी बहुत अच्छा था, जो वीडियो की स्टार्टिंग में आप देखोगे, जो, सबसे स्टार्टिंग जो में कि सेंट्रल स्टेशन पे था वो भी बहुत अच्छा, जो एनिमेशन था वो बहुत अच्छा था। तो काफी चीजें बहुत अच्छी भी थी और कुछ चीजें सोसो थी, मतलब वहां जाके ऐसा लगा कि यार हम लोग इतना चल के आए और ऐसे वेस्ट हो गया, बट ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। बट आप डेफिनेटली अगर आप आइंडहोवन में हो या फिर आप प्लान कर रहे हो ना, तो इसको स्किप मत करना, आप ग्लो फेस्टिवल आओ, ग्लो फेस्टिवल में चलो, पूरा थको और उसको एंजॉय करो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली, मतलब इतनी सारे, मतलब छोटे बच्चे और फैमिलीज थी ना, वो हमें देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली यहाँ पे यंग लोग बहुत दिखते हैं, ऐसे फैमिलीज वगैरह काफी कम ही दिखती हैं, तो वो देख के भी बहुत अच्छा लगा, बहुत फैमिलीज थी, बच्चे थे, क्योंकि ऑफकोर्स लाइटिंग है तो बच्चों को लाना तो बनता ही है। तो आप लोग आना, एंजॉय करना और कमेंट में बताना प्लीज कि हमारा वीडियो कैसा लगा, और इन जनरल आपको भी ग्लो फेस्टिवल कैसा लगा ये भी कमेंट में बताना, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो आल्सो। और आप हम लोगों को, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप थोड़े आइडियाज दो कि आप और क्या वीडियो देखना चाहते हो, हम लोग क्या हमारे वीडियो में एक्स्ट्रा और कर सकते हैं, वो भी डालो एंड प्लीज सब्सक्राइब करो, यार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो गाइस हम लोग अभी लॉग ऑफ कर रहे हैं एंड वी विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस।